नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन उप यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। आज हम आपको एनिकल ज्योमेट्री UGMM 102 में जो लास्ट लेक्चर लिए थे उसके आगे हम पढ़ाएंगे। जो आज का जो टॉपिक है, थोड़ा सा पीछे हम बताएंगे हमने कि लास्ट में क्या पढ़ाया था, फिर हम आगे बताएंगे आपको। हमने पीछे बताया था आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इस वाले में हमने आपको बताया था कि कोई भी जनरल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का है। एग्जाम्पल के तौर पे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सपोज दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन b l1x प्लस m1y प्लस n1 इज इक्वल टू जीरो एंड l2x प्लस m2y प्लस n2 इज इक्वल टू जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, एक ब्रैकेट में l1x प्लस m1y प्लस n1, दूसरे ब्रैकेट में l2x प्लस m2y प्लस n2 इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेलेंस टू, किसके इक्वल होगा ये इक्वेलेंस के, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, l1 l2 इज इक्वल टू ए, m1 m2 इज इक्वल टू बी, n1 n2 इज इक्वल टू सी। l1 m2 प्लस l2 m1 इज इक्वल टू एच, m1 n2 प्लस m2 n1 इज इक्वल टू एफ, l1 l2 प्लस n2 l1 इज इक्वल टू जी। और हमको मिलेगा a ब्रैकेट b माइनस बी सी माइनस एफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस एच इन ब्रैकेट एच सी माइनस जी एफ प्लस जी ब्रैकेट के अंदर एफ जी माइनस बी जी इज इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर क्या मिलेगा, डायगोनल फॉर्म में ए बी सी, फिर उसके करस्पॉन्डिंग बगल में एफ जी एच एफ जी एच। अगर ये मैट्रिक्स की वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के, एक्स वाई की जो कोएफिशिएंट है मैट्रिक्स फॉर्म में है, अगर इसकी वैल्यू जीरो होती है तब देन दिस इज इक्वल टू ए। अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म को चेंज कर दे इक्वेशन फॉर्म में, मैट्रिक्स सॉल्व करने पर जो हमको मिलेगा वैल्यू ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इसका फर्स्ट और सेकेंड टर्म पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ जनरल स्टेट जनरल इक्वेशन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पे क्या है, ए बी सी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली एंड एफ जी एच स्टैंड फॉर द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्स एंड एक्स वाई। अब इसी पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक जो हमने बताया था वो लास्ट लेक्चर का रिमाइंड था, अब आगे आते हैं। इसी बेस हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करते हैं हम। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन मैं लिया हूं, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन क्या होगा, सीन्स द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ये ब्रैकेट के अंदर है, इज इक्वल टू
एक्स वाई डिवाइड बाई एच, देयर फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स की वैल्यू माइनस 8 कंपेयर करने के बाद एक्स वैल्यू 8, एक्स वैल्यू 8 इसको 16 है, इसको आधा कर दीजिए, ये माइनस है तो आपको 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमें क्या मिला इसमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 8 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 11 एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर, ये कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो 4h स्क्वायर के बराबर है तब प्रूव दैट वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन होगा, जो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 will bisect the angle between the coordinate axis, will bisect the angle between the coordinate axis, उसको bisect करेगा। इसका आप solution देखते हैं, solution में क्या दिया है proof, bisector of the angle between coordinate axis will make an angle 45 degree or 135 degree with the positive direction of x axis and hence the equation R, y is equal to plus minus x, y अगर ये coordinate axis है, ये axis अगर आप बनाते हैं यहाँ पे हैं, तो y is equal to जो ये line होगा, ये आपका एक line x axis, y axis यहाँ पे 0 है, तो 0 से लेके ऊपर चलेंगे जो positive x, और जब नीचे आएंगे, तो क्या आपका देखिए ये x line और वर्टिकल वाई, इन दोनों भी से एक्स इज यहां पर अगर पॉइंट 0 पॉइंट है, अगर 0 पॉइंट है वाई इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स निगेटिव डायरेक्शन में, तो क्या दिया है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इफ वाई इज इक्वल टू एक्स, सपोज वाई को एक्स करता है तब बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर कंडीशन ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2h, सिमिलरली मिल गया आपको कंडीशन, सिमिलरली इफ वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि वाई के प्लेस में माइनस एक्स दिया है, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ए एक्स स्क्वायर 2 एज इट इज है आपका x एज इट इज है, फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लग दिया, ये साइन माइनस हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये निगेटिव इसको स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर देखिए ये इक्वेशन आपका है, ठीक है, तो आपका a इज सेम है, ये x स्क्वायर भी सेम है, y इज इक्वल टू क्या रिप्लेस किया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स रिप्लेस किया है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन निगेटिव हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज है, एच आपका वैसे ही है, एक्स यहां पे एक्स है और वाई यहां माइनस एक्स है, माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ गया, फिर उसके बाद बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 2h, मिल गया, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2h, इसको स्क्वायरिंग कर दिए दोनों तरफ, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसको कर दिए 4h स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। चलिए अब आगे आते हैं, शो दैट द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इफ यदि h इन ब्रैकेट 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ब्रैकेट के अंदर a माइनस b,
शो दैट जो लाइन है बाइसेक्ट करेगा इस केस में, और कंडीशन आपका एच वन माइनस एम वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ए माइनस बी दिया ब्रैकेट में। सॉल्यूशन लेते हैं, सिंस बाइसेक्टर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज एज पर रूल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। देयरफोर इफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स बी वन ऑफ द बाइसेक्टर देन इट सेटिस्फाई एबव रिलेशन आल्सो। सो देयरफोर आपका जो ऊपर का इक्वेशन है उसी इक्वेशन में हम y को रिप्लेस करते हैं mx से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर एज इट इज माइनस, वैसे रखा आपने है y स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इसे रिप्लेस किया y इज इक्वल टू mx से, होल डिवाइड बाई ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ऐसे ही है जहां पे वाई है हमें लिखा है एम एक्स डिवाइड, तो डिवाइड ब्रैकेट के अंदर माइनस एच माइनस एच। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम यहां से एक्स और कॉमन निकाल लेते हैं, जब एक्स कॉमन स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वन माइनस एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, और पहले से यहाँ पे ये दोनों एक्स मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाए एक्स स्क्वायर एम डिवाइड बाई माइनस एच। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा बाहर, यहाँ पे एक्स मिलेगा, एक दोनों कैंसिल आउट कर देगा तो मुझे क्या मिलेगा वन माइनस एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई माइनस बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब इसको उधर उधर ले चले जाएंगे, लेके जाने वाला सॉल्व करेंगे एच वन माइनस एम स्क्वायर प्लस एम ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वन इज इक्वल टू जीरो हैव द सेम पेयर ऑफ बाइसेक्टर एज दीज ऑफ द लाइंस गिवन बाई, ये क्या रखेंगे सेम ऐसे रखेंगे कब इस तरह से हो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच ब्रैकेट अंदर ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका है, सॉल्यूशन देखते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज गिवेन बाई गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन था, इसकी जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में माइनस बी, ठीक। जब इसको ब्रेक करेंगे यहां पर अगले लाइन में होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में माइनस बी होगा, तो जो ए प्लस बी होगा राइट हैंड साइड के पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में है, ए प्लस बी राइट हैंड साइड में है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, राइट हैंड साइड में एच बचेगा। इसका मतलब जो हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच, बट दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस गिवेन बाय द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। एक मिल गया, आगे आते हैं, मिल गया, अब आगे आते हैं नेक्स्ट में, हो गया कब आपका ये, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन वन ऑफ दीज लाइंस गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड वन ऑफ द लाइंस ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर लैम्डा ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द अदर टू लाइंस ऑफ द सिस्टम। सॉल्यूशन देख लेते हैं, सिंस द टू पेयर हैव द सेम बाइसेक्टर बाय द सेम बाइसेक्टर देयरफोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए प्लस बी दूसरे माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच ए प्लस बी। जब उनको सॉल्व करेंगे
लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी या एच, एंड दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट पेयर। अब आते हैं आगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। वो कौन सी वैल्यू लैम्डा की है जो इस इक्वेशन के लिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रखेगा। इक्वेशन क्या दिया हमारा है, 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो है कि फॉरवर्ड जो कौन सी ऐसी वैल्यू हो लैम्डा की हमें क्या रिप्रेजेंट करे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है, लैम्डा की कौन सी वैल्यू हम निकाले जो कि हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिले। आगे बढ़ते हैं, हियर वो आपको जो इक्वेशन दिया गया था उसे कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे, हमें ए इज इक्वल 12 मिलेगा, बी इज इक्वल टू 2, सी कांस्टेंट टर्म है, लैम्डा बराबर हो जाएगा, एफ माइनस 5/2 मिलेगा, डी की वैल्यू 11/2 मिलेगी, एच माइनस 5 या जो माइनस 10/2 इज इक्वल टू माइनस 5। जब कंपेयर किससे किए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस ट्वाइस ए फाइव प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, जो इक्वेशन मिला है, इस जो इक्वेशन दिया गया है उससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए फाइव स्क्वायर, जब उसे कंपेयर करेंगे उस इक्वेशन से तो हमको ए बी सी एफ जी एस के वैल्यू मिल जाएंगे। मिलने के बाद उस वैल्यू को जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में ए बी रखते वैल्यू, ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 2, 24, सी इज इक्वल टू लैम्डा। पहला क्या मिल जाएगा, 12 इंटू 2 बारह का 24 इंटू लैम्डा प्लस 2 एफ जी एच, 2 पहले से ही है, एफ की वैल्यू माइनस 5/2, जी की वैल्यू 11/2, एच की वैल्यू माइनस 5। तो मुझे मिला मल्टीप्लाई करने के बाद 275/2, एफ स्क्वायर एक वैल्यू 12, एफ इज इक्वल टू स्क्वायर कीजिए पॉजिटिव 5/25/4, फिर उसके बाद ऐड करेंगे माइनस 75 माइनस बी जी स्क्वायर, बी बिग वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू है आपका 11/2 फिर माइनस सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू लैम्डा, एच की वैल्यू माइनस 5 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 7 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर अगेन माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 25 लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। आफ्टर इलिमिनेशन इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगी लैम्डा इज इक्वल टू 2 मिलेगा। देयरफोर 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, यह क्वेश्चन नंबर क्या है, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और सपोज किया कि ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, ठीक। तो जो लाइन सपोज किया कि वो प्रेजेंट करता है, इसका मतलब एक लाइन होगा y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी, दूसरा होगा y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी, ये दो अलग मैंने मान लिया है। फिर क्या होगा, अब उनको प्रोडक्ट में लीजिए, y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन एक ब्रैकेट में, y माइनस एम टू एक्स प्लस सी टू एक ब्रैकेट में लीजिए, ये सॉरी यहाँ माइनस हुआ, मिस्टेक है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ माइनस आइए, इज इक्वल टू जीरो, इज सेम एज इक्वेशन 1, देन y स्क्वायर प्लस एम एम टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई माइनस एम वन सी टू प्लस एम टू सी वन एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर सी वन प्लस सी टू ब्रैकेट क्लोज वाई प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो।
इसको सेम एस किसके, ये इसके सेम होना चाहिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है। फिर ये क्वेश्चन टू मिल गया। अब आगे आते हैं, इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो हमको मिलेगा M1 M2 इज इक्वल टू 12/2, M1 + M2 इज इक्वल टू 5, फिर N1 C2 + M2 C1 इज इक्वल टू -11/2 मिलेगा, और C1 + C2 इज इक्वल टू 5/2 एंड C1 C2 इज इक्वल टू 1 जो हमें मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं M1 - M2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 + M2 होल स्क्वायर 4mm2, वो उसी तरह से है a - b का जो होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसको प्लस फार्मूला लेते हैं। सपोज अगर यहाँ पे a - b होल स्क्वायर दिया गया हो तो उसका फार्मूला है a + b होल स्क्वायर -4a/2। उसी तरह से एक यहाँ हमने लिखा है m1, बी यहाँ लिखा मैंने m2, देन m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 + m2 होल स्क्वायर -4m2। अब देखिए हमें क्या मिला है, m1 + m2 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 4m1 m2, m1 m2 वाली कितनी है 12/2, 12/2 इंटू 4, 2 6, ये 2 कैसे गया 6 जाएगा, 6 4 24, 25 - 24 इज इक्वल टू 1। क्या मिला हमें, m1 - m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसको स्क्वायरिंग हटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, m1 - m2 इज इक्वल टू ±1, ये मिला। और दूसरा हमको मिल चुका है m1 + m2 इज इक्वल टू 5, पीछे से मुझे मिला है, तो हमें m1 - m2 मिल गया और m1 + m2 मिल गया। फिर इन्हीं दोनों के सहायता से हमको मिलेगी m1 की दो वैल्यू मिलेगा, एक बार ऐड कीजिए सब्ट्रैक्ट, एक बार ऐड कीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, m1 इज इक्वल टू 3, फिर m1 इज इक्वल टू 2, और उसी तरह से m2 इज इक्वल टू 2 और 3, यानी दो दो वैल्यू मिल गए m के। आगे बढ़ते हैं तो मुझे क्या मिला ये, तो अगला वो मिल गया आपको m1 m2 मिल गए, m1 - m2 और m1 + m2 से हमको m1 और m2 की दो दो वैल्यूज मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली C1 - C2 होल स्क्वायर जो फार्मूला मैंने यूज किया तो वहां फार्मूला वहां भी आ जाइए, C1 - C2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 + C2, यहां स्क्वायर होगा C1 + C2 होल स्क्वायर -4C1 C2, फिर 25/4 - 4 × 1 इज इक्वल टू 9/4। फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, C1 - C2 होल स्क्वायर 9/4, therefore जब इसका स्क्वायरिंग हटाएंगे हो जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, C1 - C2 इज इक्वल टू ±3/2, और हमको C1 + C2 क्या मिला है 5/2। तब जब ये C1 + C2 है, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे C1 वैल्यू मिल जाएगा 2 या 1/2, C2 की वैल्यू मिलेगी 1/2 और 2, यानी कि C के दो वैल्यू मिल गए यहाँ पे, C के दो वैल्यू यहाँ मिल गए। अब उन्हीं को रिस्पेक्ट लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ पैरा स्टेटमेंट क्या मिलेगा, एक बार दोस्त एक बार सबके पहले वैल्यू लिए हैं, y इज इक्वल m1x, एक बार 3 लिया +2, ये 2 हो गया, y इज इक्वल टू मैंने लिया था y इज इक्वल m1x + c, तो y यहाँ पे है, m1 3 लिया था मैंने, 3 हो गया, x एज इट इज है, फिर c की वैल्यू मैंने 2 हो गया, y इज इक्वल टू 2 दूसरा वैल्यू लिया था 2, x * 1/2 दूसरा वाले स्वीक हो गया। उसी तरह से आप इस वाले में आ जाइए 3x - y = 0, फिर एंड 4x - y + 1 = 0, ये आपके इक्वेशन मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, इफ x² - 3xy + λy² + 3x - 5y + 2 = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये अगर रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है जो मेरा इक्वेशन है, कंडीशन मेरा क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, कंडीशन क्या है, ABC + 2FGH - EF²
माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्या मतलब, जो कंडीशन आपका ये है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब जो पहले आपका दिया गया था ये क्वेश्चन आपका ये है, ये लैम्डा वाला है, इसी इक्वेशन में कंपेयर कर दिए हैं ए स्क्वायर प्लस वाई टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर किए। कंपेयर करने के हमको लैम्डा ए बी ए बी सी और मालूम के बाद हमने क्या काम किया, ले दिया। अब आगे आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, सो दैट द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आगे बढ़ते हैं, आइए जैसे आपने पीछे काम किया था, जैसे मैंने पीछे काम किया था वो इक्वेशन लिया आपने, उससे कंपेयर किया, कंपेयर आपका इक्वेशन था जो इक्वेशन दिया गया था उसको मैंने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ जी एच ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर कंपेयर किया। जनरल इक्वेशन कंपेयर करने के बाद फिर जो कंडीशन है ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ए और बी सी जो वैल्यू मिली उसको ठीक है उसकी वैल्यू का ए बी की वैल्यू सी की वैल्यू एफ की और जी की बी और जी की फिर सी और एस की रखने के बाद आया ये मेरा इक्वेशन दिया। सपोज इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। ये जो हमारा दो लाइन ये आपका इक्वेशन है, हमें सपोज दो इक्वेशन मिले सब स्ट्रेट लाइन वो इस तरह के होंगे। फिर मैंने दोनों मल्टीप्लाई किया वाई इज इक्वल टू एम वन वाई इधर चेंज किया इज इक्वल टू जीरो। आगे बढ़ते हैं देयरफॉर वाई उसको कंपेयर किया सॉल्व किया वाई स्क्वायर प्लस सेवन टू स्क्वायर माइनस सेवन प्लस सेवन टू एक्स वाई प्लस सी वन सी टू प्राइट क्लोज वाई माइनस एम वन सी टू प्लस एम टू सी वन एक्स प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला एम वन एम जी इज इक्वल टू सिक्स एम वन प्लस एम टू फाइव या सी वन प्लस सी टू फाइव बाई एम वन एम टू वैल्यू सिक्स एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू फाइव सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू सी वन सी टू इज इक्वल टू वन। फिर जो इक्वेशन में पीछे यूज किया था ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू बी सी फोर ए बी वही में लगाया एम वन प्लस एम टू ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फोर वन देयर फोर एम वन माइनस एम टू इज प्लस माइनस वन। तो मुझे क्या मिला एम वन इज इक्वल टू थ्री और टू फिर एम टू इज इक्वल टू क्या मिला टू और थ्री। फिर आल्सो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था सी वन माइनस सी टू इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू होल स्क्वायर माइनस फोर सी वन सी टू सेम प्रोसीजर मैंने अपनाया तो मिड ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस फोर इंटू वन इज नाइन बाई फोर। फिर मुझे क्या मिला सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री बाई टू सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री बाई टू सी वन प्लस सी टू फाइव बाई टू। जब हमने इनको सॉल्व किया एक बार ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे सी वन के दो वैल्यू मिल गए उसी तरह से सी टू दो वैल्यू मिल गए ठीक। तो जब मिल गए तो हमने यहाँ पे रख दिया इस इक्वेशन में जो ये थे वाई को एम वन प्लस सी एक बार मैंने वाई इज एम वन एक्स प्लस सी वन एम वन मैंने लिया मैंने थ्री ले लिया या टू आ गया। फिर दूसरा वाला वाई इज इक्वल टू एम टू टू मान लिया प्लस वन बाई टू दूसरा लिया यानी दोनों एक वैल्यू दोनों उठा के ले लिए तो मुझे क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला y इज इक्वल थ्री एक्स प्लस टू एंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई टू हमको मिल गया। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में विषय हो गया। अब आगे आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो मेरा टॉपिक हो चुका था उसी में आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन मैथमेटिक्स इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मल्टीपल मैथमेटिशन ओवर सेवरल सेंचुरीज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज वाइडली यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाई रेने कार्टेस एज ए फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलासफर एंड साइंटिस्ट इन द 17th सेंचुरी। उन्होंने क्या डेकार्टेस ने पब्लिश हिज वर्क डेकार्टेस ने जो अपना वर्क पब्लिश किया था ली ज्योमेट्री 1637 में व्हेन वेयर ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग
and you are representing points in space using numerical coordinate. He used two perpendicular lines, x and y, to find the position of a point in a plane. The Cartesian coordinate system laid the foundation for the analytical geometry, enabling the study of the geometry shape using algebraic method. Now let us see coordinate system. आगे बढ़ते हैं. देखिए, अब मुझे बढ़ना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. हमने पूछे बताया आपको कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई. अब आगे आते हैं मेन फोकस पे. पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस फिजिसिस्ट निकोलस कार्पेंटर 16th सेंचुरी. कार्पेंटर नोन फॉर हिज हेलियोसेंट्रिक मॉडल सोलर सिस्टम विच प्लेस्ड इन सन एट सेंटर विद द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ ऑर्बिटिंग अराउंड इट. द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क that represent the point in the plane using distance used as the radius form an angle measured from the reference direction. The system particularly used for describing circular and rotational motion. Thank you. हमने अभी तक जो चर्चा किया पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में, अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.